अपने स्वास्थ्य और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा। बहुत दिनों के बाद मैं कोई वीडियो पे आ पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा कुछ दिन पहले अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही कष्ट होता है जब कोई अपना छोड़कर चला जाता है, लेकिन जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। जितनी जल्दी आप अपने आप को इस बात को समझा पाते हैं उतनी जल्दी आप अपने आप को संभाल पाते हैं। तो प्लीज़ मेरे पापा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा टेंटेक्स्ट फोर्ट के बारे में। टेंटेक्स्ट फोर्ट क्या है, टेंटेक्स्ट फोर्ट कौन कौन से सेक्सुअल डिजॉर्डर में वर्क करता है, तो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस टेंटेक्स्ट फोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या करने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। पहले जानते हैं टेंटेक्स्ट फोर्ट है क्या। टेंटेक्स्ट फोर्ट मोस्टली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो हिमालय ड्रग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आयुर्वेदिक मिले हुए हैं। अगर आप इस मेडिसिन को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा करके आप इस मेडिसिन को परचेज कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसमें कौन कौन से मुख्य इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है वो है लता कस्तूरी। लता कस्तूरी का काम टेंटेक्स्ट फोर्ट में आपके मसल स्ट्रेंथ को बनाने का है। इसमें जो दूसरा है वो अश्वगंधा है। अश्वगंधा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेंटेक्स्ट फोर्ट में। टेंटेक्स्ट फोर्ट में अश्वगंधा का काम लो लिबिडो को ख़त्म करना है और आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। अगर आप में किसी भी तरह का स्ट्रेस बना हुआ है तो उस स्ट्रेस लेवल को भी अश्वगंधा कम करेगा। इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो है कापला काशू। कापला काशू आपके कमजोरियों को दूर करता है, यानी आप में जो वीकनेस बना हुआ है उस वीकनेस को ख़त्म करेगा और प्री मैच्योर इजैकुलेशन को वो ख़त्म करता है, यानी शीघ्र पतन की समस्या को भी वो कम करता है कापला काशू। त्रिवांग भास्मा है जिसे बाला भी कहा जा सकता है, वो स्पर्म काउंट को, आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। एंड लास्ट शिलाजीत। शिलाजीत भी टेंटेक्स्ट फोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि शिलाजीत का काम इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ख़त्म करने का है। आप में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुके हैं, आप में जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या बनी हुई है वो शिलाजीत ख़त्म करता है। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, आखिर कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर को ये कम करता है और कौन कौन से सेक्सुअल डिसऑर्डर को ये पूरी तरह से ख़त्म करता है। मोस्टली ये एक एडल्ट प्रोडक्ट है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका इस्तेमाल केवल एडल्ट ही करें। इसका जो इस्तेमाल है वो लो लिबिडो में बहुत ही बेहतर देखा गया है, यानी इच्छा शक्ति का कम होना। बहुत सारे एडल्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं इच्छा शक्ति को लेकर के, तो इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल पूरी डोज के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी इसका इस्तेमाल बेहतर देखा गया है, लेकिन आप पूरी डोज के साथ ही इसका इस्तेमाल करें तभी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस में ये काम करेगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन दैट मीन्स लिंग का कड़ापन खो देना। बहुत सारे लोग इन द टाइम ऑफ सेक्स लिंग का कड़ापन उनमें ख़त्म हो जाता है, इस मेडिसिन के द्वारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल देखा गया है, रिजल्ट देखा गया है, तो आप शीघ्र पतन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पूरी डोज के साथ करें, शीघ्र पतन में इसका रिजल्ट बेहतर देखा गया है। नेक्स्ट है स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट में भी इसका रिजल्ट देखा गया है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बेहतर नहीं देखा गया स्पर्म काउंट में। हालांकि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप में स्पर्म काउंट की संख्या कम है, स्पर्म काउंट कम है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतर रिजल्ट यह स्पर्म काउंट में आपको देने नहीं जा रहा है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट पर। साइड इफ़ेक्ट मोस्टली मैं बता चुका हूँ, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसलिए इसका जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ही कम देखा गया है, ना के बराबर देखा गया है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है लो ब्लड प्रेशर के रूप में देखा गया है, लेकिन वो भी बहुत ही कम सिचुएशन में देखा गया है लो ब्लड प्रेशर की समस्या। तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, या तो फिर आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर कर ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब आते हैं इसके डोजेस के बारे में। डोजेस जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदाउट डोजेस आपको कोई भी सेक्सुअल डिसऑर्डर ख़त्म नहीं होने जा रहा है। आपको इस मेडिसिन की पूरी डोज लेना पड़ेगा तभी किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम में आपको ये रिजल्ट देगा।
इसका जो डोजेज है मोस्टली 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे, यानी 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम का है किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर में, यानी आपको या तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, या तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो, या तो फिर लो लिबिडो की प्रॉब्लम हो, आपको टेंटेक्स्ट फोर्ट का जो डोज है वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम का ही होगा। आप इस डोजेस को हमेशा याद रखें, 2 वीक्स से लेकर के 6 वीक तक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें, तभी आपको कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन का रिजल्ट थोड़ा देर लगता है देने में, लेकिन देता जरूर है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को आप लें। मोस्टली आप इसका इस्तेमाल दूध के साथ करें तो बेहतर होगा, अगर दूध नहीं है तो पानी के साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली पेट में आप इसका इस्तेमाल ना करें। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका इस्तेमाल कुछ खाने के बाद ही करें, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि खाली पेट में आप इसका इस्तेमाल ना करें, कुछ खा लें उसके बाद ही इसका आप इसका इस्तेमाल करें, इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को, अगर दूध मिले तो दूध के साथ करें, या तो फिर पानी के साथ भी कर सकते हैं। 2 से लेकर 6 वीक के लिए आप इसका इस्तेमाल जरूर करें किसी भी सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।